टीम इंडिया की ओर से भारत और अमेरिका के बीच मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पारस मामरे, उनसे कई सवाल पूछे गए। सवालों के जवाब देते देते उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने एक प्लान तैयार किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिसके तहत कुलदीप यादव को फिलहाल प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पा रहा है। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण जो है वो संतुलित है और एक रणनीति के तहत प्लेइंग 11 तैयार की जा रही है, ये पारस मामरे ने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मास्टर स्ट्रोक चला है एक रोहित शर्मा ने, जो जडेजा को मौका दिया जा रहा है। रविंद्र जडेजा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जडेजा को प्लेइंग 11 में मौका क्यों, क्योंकि बल्ले से उनसे रन नहीं बन रहे हैं, और अगर एक गेंदबाज के रूप में आप उन्हें प्लेइंग 11 में रख रहे हैं तो उनसे बेहतर विकल्प तो कुलदीप यादव हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये एक लंबा टूर्नामेंट है, मुझे लगता है जडेजा जैसा खिलाड़ी जो काफ़ी अनुभवी है, उसे अपनी जड़ें जमाने में और खुद को महसूस करने के लिए बस एक मुकाबले का इंतज़ार है, और वो उसके बाद अपनी जो है चमक बिखेरना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं कि उनके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा वो मैच जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। हमें न सिर्फ जडेजा पर बल्कि शिवम दुबे पर और बाकी खिलाड़ियों पर भी बहुत भरोसा है, ये खिलाड़ी बहुत जल्द फॉर्म में लौटेंगे और टीम इंडिया के लिए अहम काम मैदान पर करेंगे, टीम इंडिया को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। रही बात कुलदीप यादव की, यूजी चहल की, तो अगर पिच की कंडीशंस होंगी, सिचुएशंस होंगी, तो ज़रूर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, वो भी हमारे प्लान्स में हैं। लेकिन अभी जडेजा को इसलिए मौका दिया जा रहा है क्योंकि वो बल्लेबाजी में भी मादा रखते हैं, अच्छे रन बना सकते हैं, और बैटिंग ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है, और आगे जब वेस्टइंडीज़ में भारतीय टीम जाएगी खेलने के लिए तो वहाँ पर अगर स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो स्पिनर्स को ज़्यादा मौके दिए जाएंगे, ये पारस मामरे ने कहा। और रोहित शर्मा का प्लान क्लियर है, वो उन्हीं खिलाड़ियों को मौका देंगे जिन खिलाड़ियों की टीम में मैदान पर पिच पर ज़रूरत होगी, मैदान की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, पिच की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग प्लेइंग कॉम्बिनेशन बनता है और उसी आधार पर खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं। इसीलिए जडेजा और शिवम दुबे फिलहाल खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमें। तो पारस मामरे ने ये जवाब तो दिया, अब देखते हैं अमेरिका के खिलाफ प्लेइंग कॉम्बिनेशन सेम रहेगा या कुछ बदलाव भी होगा।